दोस्तों सैमसंग वालों के जो फोन नहीं बिकते ना भाई, वो तो नए डिजाइन के साथ में सेम स्पेसिफिकेशन वाला फोन लॉन्च कर देते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। दोस्तों कैमरा सेटअप दोनों फोन्स का बिल्कुल सेम है। मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं यार, दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का काफी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप दोनों फोन्स के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यार इनके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इवन छोटी से छोटी डिटेलिंग को भी दोनों फोन्स के मेन कैमरा ने काफी बढ़िया तरीके से दोस्तों कैप्चर किया है। और दोनों फोन्स के मेन कैमरा मुझे कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कैमरा सेटअप्स लगे फोन सब कुछ तो भाई सेम ही है, तो क्या ही फर्क हमें मिलना है यहां पर। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक एट 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना, काफी बढ़िया वाली डिटेलिंग के साथ में यहाँ पर सेल्फी फोटोज भी क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक एट 30 FPS पर कर सकते हैं। और अब बात करेंगे डिस्प्ले की, तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि यार सैमसंग के जो सुपर एमोलेड प्लस पैनल होते हैं ना, बिल्कुल टॉप की कंटेंट वॉचिंग भाई करवा देते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहां पर दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि UI 6.1 पर बेस्ड है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं भाई अपडेट्स तो दोनों फोन्स के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। लेकिन आप सोच रहे हो यार एग्जिनोस प्रोसेसर हुआ तो एग्जिनोस नहीं है भाई, स्नैपड्रैगन का है। ये सैमसंग ने चमत्कार कर दिया यहां पर तो। That's pretty true. और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ चिपसेट की, तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और ये जो चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में भाई बढ़िया है। अच्छी गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाई जनता सवाल पूछ रही है कि सैमसंग ने चमत्कार कैसे कर दिया, कि इन्होंने एग्जिनोस वाला बेकार सा प्रोसेसर नहीं डाला फोन के अंदर। सही में दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है भाई, ये तो जश्न वाली बात है भाई। और एंड्रॉइड स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 5,80,000 के करीब। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और आप भी सोच रहे होगे यार अभी तक तो स्पेसिफिकेशन सेम है, तो भाई आगे भी स्पेसिफिकेशन सेम ही है यार। सैमसंग वाले ऐसे झोल भाई करते ही रहते हैं कि अगर फोन ना बिक रहा हो तो नए नाम से लॉन्च कर दो, क्या दिक्कत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो भाई दोनों फोन्स 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। और दोनों फोन्स के साथ में आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो काफी इजीली मिल जाएगा। लेकिन फास्ट चार्जिंग देखिए, दोनों फोन्स तो 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स के बॉक्स में कोई चार्जर नहीं मिलना आपको भाई। हाँ यार वो भी आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। फास्ट चार्जिंग बेशक दोनों फोन्स में बढ़ गई है, लेकिन चार्जर आपको फिर भी नहीं मिलना फोन के बॉक्स में। ये एप्पल वाली फील दे रहे हैं भाई, लेकिन बनते जा रहे हैं पोको की तरह। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स टोटली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है भाई, लाउड इनफ है, अच्छे वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों स्पेसिफिकेशन तो दोनों फोन्स के बिल्कुल सेम है भाई, बट डिजाइन में फर्क है, तो मैं क्या ही आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूं भाई। हां